हमारे 8 नेवल ऑफिसर्स की फांसी की सजा के बाद एक तरफ जहां भारत $8 बिलियन का झटका देने वाला था कतार को LPG इंपोर्ट को बंद करने के लिए, वही पीठ पीछे छुपकर चीन ने काफी बड़ा खंजर घोप दिया है भारत को। यहाँ हमें सोचने का भी टाइम नहीं मिला कि चाइना की दो बड़ी कंपनीज ने कतार की स्टेट ओन्ड एनर्जी फर्म के साथ टाइप कर लिया और 3 मिलियन टन्स ऑफ लिक्विफाइड LNG गैस सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने कतार स्टेट ओन्ड एनर्जी फर्म को दे दिया फॉर 27 ईयर सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट। यहाँ पर ये जो कतर की कंपनी है इसका नाम है कतर एनर्जी। इन्होंने ऐसी पार्टनरशिप की है कि ये चाइनीज कंपनी को 5% स्टेक मिलेगा एज ए जॉइंट वेंचर और 6 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी LPG गैस की रखी जाएगी और 3 मिलियन टन्स ऑफ LPG एनुअल सप्लाई किया जाएगा टू दिस चाइनीज कंपनी। लेकिन वहीं चाइना का कहना है कि हम ये सब हमारी रिक्वायरमेंट को देखते कर रहे हैं, इतनी कैपेसिटी हमने जो बढ़ाई है इम्पोर्ट सडनली कतार से, ये हमें रिक्वायर्ड है इसलिए हमने किया है। लेकिन साफ साफ नजर आता है कि एक तरफ जहां भारत कतर को सबक सिखाना चाहता है तो वहीं ये चाइनीज कंपनीज इनको बैक करना चाहती है, ये अपने ही फायदे के बारे में सोच रही है। खैर चीन से और कुछ एक्सपेक्ट क्या ही किया जा सकता है, लेकिन आप जानकर चौंक जाओगे इसमें चीन ही अकेला नहीं है, इसमें इटली भी शामिल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अक्टूबर में कतार एनर्जी के साथ 27 साल का लॉन्ग LNG सप्लाई एग्रीमेंट भी साइन कर लिया गया था इटली के साथ। 1 मिलियन टन्स ये LNG हर साल सप्लाई करेंगे टू इटली। सेम उसी महीने में एक और डील हुई थी फ्रांस के साथ और फ्रांस भी उस डील में शामिल है। यहाँ पर तो 3.5 मिलियन टन्स पर एनम LNG सप्लाई किया जाएगा टू फ्रांस, जो कि चीन से भी ज्यादा इटली से भी ज्यादा है। 2022 में इस कतर की कंपनी ने $42.5 बिलियन की कमाई की थी केवल इसी बिजनेस से। हालांकि फ्रांस और इटली का कहना है कि क्योंकि यूक्रेन में इन्वेजन हुआ था तो रशिया से उनकी काफी डिपेंडेंस कम करने के लिए उन्होंने अपना सप्लाई चेन शिफ्ट कर दिया टू कतार, और जब इनकी बारी थी तो ये भारत को कहते थे कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद कर दीजिए, आप क्यों ऐसे कर रहे हो, भारत को ही क्रिटिसाइज किया जाता था और अब ये खुद वही कांड कर रहे हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि भारत और कुछ रास्ता निकाल कर कतार को सबक सिखा सकता है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में भी जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।